सिंधिया परिवार की सियासत और उनके बारे में पूरा देश जानता है और इनकी सियासी सफर को भी लगभग सभी लोग जानते हैं। आज की तारीख में सिंधिया घराना काफी ताकतवर घराना है और इनका दबदबा पूरे देश में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इनकी दौलत को जानकर आम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सिंधिया घराने के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। तो आज हम भी आपको सिंधिया घराने की एक बड़ी घटना बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्यों अकेली रहती हैं और एक विधवा जीवन की तरह जीवन को जीती हैं और कैसे अपने पति को छोड़कर अपनी मेहनत से राजस्थान की कुर्सी तक पहुंची? आज हम इन सभी बातों का खुलासा करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान की मौजूदा सियासत में बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में राजस्थान में बीजेपी की मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जबरदस्त मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई। वसुंधरा की उपलब्धि किसी से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वसुंधरा राजे का जीवन संघर्षों भरा रहा है। लेकिन तमाम उतार चढ़ावों के बाद आज वो जिस मुकाम पर है वो उनकी सफलता की कहानी कहता है। एक राजघराने में जन्म की वजह से वसुंधरा को सियासत, पैसा और ताकत विरासत में मिली, लेकिन हालात कई दफा अनुकूल नहीं रहे। लेकिन वसुंधरा राजे ने उन सभी मुश्किलों को अपनी जिद से हरा दिया और मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि जमकर मुकाबला किया और मुश्किलों को उनसे हारना पड़ा। वसुंधरा राजे सिंधिया, जन्म 8 मार्च 1953, जन्म स्थान बंबई महाराष्ट्र, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, शादी हेमंत सिंह 1972, तलाक 1973, बेटा दुष्यंत सिंह, पिता जीवाजी राव सिंधिया, माता का नाम विजया राजे सिंधिया, भाई बहन माधव राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे की शादी 1972-73 में धौलपुर राजघराने के हेमंत सिंह से हुई, लेकिन ये शादी साल भर भी नहीं चल पाई और बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद ही हेमंत सिंह और वसुंधरा में झगड़ा होने लगा। मीडिया में आई खबरों की माने तो इस झगड़े की कई वजह थी, लेकिन जानकार जो मुख्य वजह बताते हैं वो ये कि वसुंधरा से हेमंत की शादी से पहले हेमंत सिंह की दूसरे राजघराने में शादी तय हो गई थी, लेकिन हेमंत ने अपने घर की इच्छा के विपरीत जाते हुए वसुंधरा राजे से शादी की। परिवार के करीबी लोगों की माने तो हेमंत सिंह की मां वसुंधरा राजे से हेमंत सिंह की शादी के पक्ष में नहीं थी और इसीलिए शादी के बाद उठापटक शुरू हो गई। हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे का ये झगड़ा संपत्ति विवाद तक पहुंच गया। सिंधिया स्टेट की राजकुमारी वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से 1972-73 में हुई, ये तो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। और शादी के एक साल बाद जब दुष्यंत सिंह का जन्म होने ही वाला था कि दोनों में तलाक हो गया। वसुंधरा तलाक के बाद ग्वालियर आ गई। 1978 में दुष्यंत की नानी विजयराजे सिंधिया ने अपने नाती की ओर से धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत में मामला दर्ज करा दिया। कहा जाता है कि जिस दौरान कोर्ट में मामला चल रहा था उस दौरान भी वसुंधरा धौलपुर महल में रहने जाती, उसके लिए बाकायदा कोर्ट से आदेश लिए जाते थे। जब वसुंधरा इस महल में रहने जाती थी तब हेमंत सिंह वहां से चले जाते थे। वसुंधरा कब कब यहां आ सकती हैं ये हेमंत सिंह तय करते थे। मई 2007 में हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच अदालत में समझौता हो गया। समझौते के तहत धौलपुर महल का मालिकाना हक दुष्यंत के पास आ गया। कोर्ट में यह मामला लगभग 29 साल तक चला। हेमंत सिंह के रिश्तेदार भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पिता पुत्र के बीच समझौता कराया। उसके बाद सालों से अदालत में चल रहा यह मामला बंद हो गया। निजी जिंदगी में अलग, अपने सियासी करियर में वसुंधरा राजे लगातार आगे बढ़ती ही जा रही थी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के निधन और जसवंत सिंह के विवादों में रहने के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी और उसके बाद 2003 में राजस्थान में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आई। उस वक्त के हालातों को देखें तो 2003 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को हुए तो राज्य के दो बड़े नेता दिल्ली में स्थापित हो चुके थे।
एक भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति बन चुके थे, तो दूसरे थे जसवंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसे में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी अगुवाई में राजस्थान में चुनाव लड़ा और बीजेपी का फैसला सही साबित हुआ। वसुंधरा का जादू राजस्थान की जनता पर सिर चढ़कर बोला और बीजेपी ने 110 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर राजस्थान में सरकार बनाई और राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल गई। जबकि इससे कुछ वक्त पहले तक इसी बीजेपी में वसुंधरा अलग थलग दिखाई दे रही थी और जो उसके बाद की कहानी है आपके सामने है। इस वक्त वसुंधरा फिर राजस्थान में जद्दोजहद कर रही है। हो सकता है ये वनवास खत्म भी हो जाए और अगले चुनाव में वो फिर से सत्ता में आ जाए।